हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। समय हो रहा है सुबह के 4:45 और मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि पानी है वो जल्दी चला जाता है, 6 बजे चला जाता है, तो सारा पानी भरना था। उसके बाद कपड़े वगैरह भी मशीन लगाने थे, मैंने सोचा पहले फटाफट से पानी भर लेती हूँ ताकि 6 बजे तक सारे कपड़े भी मेरे वॉश हो जाएं। तो मैं टैंक में पानी छोड़ दिया, उसके बाद मैंने जस्ट मशीन लगाई और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी दूध वगैरह तो निकला नहीं है, सभी सो रहे हैं। दीदी अपने काम में लगी हुई है, पशुओं को चारा वगैरह डाला है, उसके बाद मिल्किंग करेगी और फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। किचन में बाद में जाऊंगी, तो पहले मैं बाहर ही समेट रही थी अपना काम। और आज मैंने स्कर्ट पहन रखी है, मतलब है तो सरारा, ये प्लेजो, लेकिन वो स्कर्ट वाला प्लेजो है, अम्ब्रेला कट वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा घेर का है। काम करने में दिक्कत आती है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहता है, तो रात को वैसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहता है। ट्राउज़र वगैरह होते हैं उसी तरह से। आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मतलब बिल्कुल जो पैंट प्लाजो वगैरह हैं उसमें कंफर्ट फील नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने आज पहन लिया था। लेकिन काम में थोड़ा सा हो रहा था कि पोछा वगैरह लगाते हैं या जैसे पानी का काम करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, गीला हो जाता है, नीचे टिक जाता है। तो यहाँ पर कपड़े मशीन तो लगा दिया था, उसके बाद मैं एक चक्कर डालकर आ गई थी और दूसरा चक्कर मैं साइड में कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी और उसके बाद उनको निकाल दूंगी, फिर फटाक दिसी ने ये डाल दूंगी तो सीधे कर कर, क्योंकि कपड़े जब निकालते हैं तो आधे आधों के कपड़े बच्चों के कपड़े तो उल्टे ही रहते हैं, तो उनको सीधा कर कर ही मशीन के अंदर डालती हूँ। तो पहले चक्कर में वाइट जो भी बनियान वगैरह होती है, बच्चों के हैंकी वगैरह होते हैं, मास्क वगैरह होते हैं, ये चीज़ें डालती हूँ पहले में, और दूसरे के अंदर डालते हैं। फिर सूट वगैरह होते हैं, इनकी टी शर्ट वगैरह होती है, और लास्ट में जीन्स वगैरह, पैंट प्लाजो वगैरह, ये सब कुछ डालते हैं। तो हल्के हल्के कपड़े पहले डाल लेते हैं, वैसे अभी मैल के तो नहीं होते, एक या दो चक्कर में ही साफ़ हो जाते हैं। और हमारे यहाँ का मीठा पानी है और आपको लाइट भी चस रही ही है चारों तरफ, बाहर की भी लाइट जला रखी है और अंदर की भी, दोनों तरफ से चारों तरफ लाइट जली हुई है, फिर भी अंधेरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, अदरवाइज उजाला हो जाता है 6 बजे के करीबन, तो काफ़ी ज़्यादा अभी। तो यहाँ पर मैं मशीन तो लगा चुकी थी, कपड़े भी डाल दिए थे, उसके बाद मैं लेकर आ गई थी पानी भरने के लिए। जो बंटे वगैरह होते हैं, इनको हम यहाँ पर बंटे बोलते हैं, टोकनी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, स्टील के थे, यही रखे हुए थे, मटका भी रखा हुआ है, लेकिन उसको भी भरूंगी। तो सबसे पहले इनको मैं अच्छे से साबुन से मांझ लेती हूँ, अच्छे से धो लेती हूँ ताकि अच्छे हो जाएँ। स्टील के बर्तन पर थोड़े बहुत पानी के दाग रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो सुबह सुबह ये सबसे पहले साबुन लगा कर अच्छे से धो लेती हूँ। और यहाँ पर तो पानी ही पानी रहेगा क्योंकि पशुओं को नहलाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उससे पहले पानी वगैरह भरना, कपड़े वगैरह धोना, यहाँ का काम निपट जाता है। बाद में दिया जी नहलाते हैं पशुओं को, तो तब मतलब अच्छे से मैं धोकर और पोछा लगा देती हूँ। अभी तो धोने से ही सूख जाता है, लेकिन मेरे पोछा लगाने की हैबिट बन चुकी है, बहुत ज़्यादा चिकनी हो चुकी है ये टाइल्स। लेकिन सुबह सुबह पोछा लगाते हैं तो इनका कलर इतना सुंदर लगता है, और दोपहर तक फिर से इतना गंदा हो जाता है, वाइट वाइट सा, क्योंकि अभी फ़िलहाल खेतों में कढ़ाई चली हुई है, तो जिसकी वजह से रिप्पी वगैरह आती है, तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और अभी जो सूखी मिट्टी है वो भी इतनी जल्दी सूख जाती है गर्मी में, धूप की वजह से चारों तरफ रेत ही रेत है, सूखा हुआ है। तो जो भी साधन वगैरह चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलती है, ऑन रोड पर घर है, तो सारा धूल मिट्टी अंदर ही आता है, तो रोज़ कितनी भी साफ़ सफाई कर ले इतना ही मेशी हो जाता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं फटाफट से पानी भरती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो गाइज पानी वगैरह भरने के बाद मैं किचन को झाड़ू लगाया, उसके बाद एक बार अच्छे से स्लैब वगैरह को पूछा, उसके बाद मैं लग गई थी दूध रही लगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दही रख लेती हूँ खाने के लिए, वो बच्चे स्कूल ले जाते हैं, उसको अभी फ्रिज में टेक देती हूँ क्योंकि खट्टा हो जाता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे। और बच्चे स्कूल में रहते हैं तो 11 बजे के करीबन इनका लंच होता है, मतलब 11 o'clock पर लंच होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है खट्टा हो जाता है। और इसके अंदर पानी डाल दिया और रही टेक देती हूँ, तब तक मैं बच्चों के लिए मतलब सब्जी वगैरह की तैयारी करूँगी, जो भी खाना या उनके लंच में कुछ भी बनाऊँगी उसकी तैयारी करूँगी, तब तक ये मक्खन आ जाएगा और इसको चला देती हूँ। तो रही लगाने के बाद मैं यहाँ पर काट रही थी आलू टमाटर और प्याज। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन चावल, बच्चों को काफ़ी दिन हो गए थे चावल खाए हुए और काफ़ी ज़िद भी कर रहे थे, तो हमने इसी वजह से चावल नहीं बनाए थे क्योंकि घर में कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं बनती थी। कल हमने पापा की जो मतलब है पापा जी और दादाजी की दोनों की ही वो 6 मई होती है वो कर दी है 1.25 महीने पर, जो हवन वगैरह किया जाता है तो वो कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि आप कुछ भी बनवा सकते हो बच्चों के लिए, ऐसा एक परंपरा चली आ रही है। तो कुछ भी नहीं बनाते थे जैसे पराठे वगैरह या कोई भी चावल वगैरह, तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नमकीन चावल। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आलू वगैरह काट लेती हूँ, प्याज आलू टमाटर वगैरह ही डालते हैं, मटर वगैरह तो है नहीं, अदरवाइज मटर होते हैं तो मटर भी डाल देते हैं। तो ये काटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज आलू प्याज वगैरह काटने के बाद यहाँ पर रात के रखे हुए बर्तन थे तो इनको मैं स्टैंड पर लगा देती हूँ, क्योंकि रात के समय मैं कभी भी स्टैंड पर बर्तन नहीं लगाती, सुबह उठने के बाद ही लगाती हूँ। अभी चाय वगैरह हमारी कुछ भी नहीं हुई है क्योंकि दीदी मिल्किंग कर रही है, उसके बाद चाय बनाऊँगी। और आज मैंने काफ़ी सारे काम निपटा लिए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी, जिसकी वजह से काम इतने सारे निपट चुके थे। अदरवाइज़ सबसे पहले उठते ही मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद और काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से बर्तन स्टैंड पर लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगाने के बाद मैं यहाँ पर चाय बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दूध निकल चुका था तो चाय रख दी है और चेक कर लेती हूँ कि मक्खन निकला है या नहीं, आया है या नहीं, उसके बाद मैं उसको निकाल लूँगी और फिर बाहर कपड़े वगैरह भी देख के आऊँगी और डाल के आऊँगी और वो वाले निकाल के आने हैं। तो मक्खन भी आ चुका था, मैंने दही को बंद कर दिया है। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 5:30 बजे का हो रहा है और इस टाइम पर करीबन करीबन मैं उठती हूँ, लेकिन आज कई काम समेट दिए हैं और चाय मैंने रख दी है। तो अभी मैं बाहर चलती हूँ, कपड़े वॉश हो चुके हैं उनको निकाल के आती हूँ। दीदी दूध निकाल रही है, साथ साथ चाय बन जाएगी और कपड़े भी, तो दूध भी मिल चुका है, तो फटाफट से चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर देख सकते हैं आप कितना सारा अंधेरा है और सारी लाइट्स जला रखी हैं, फिर भी काफ़ी सारा अंधेरा है क्योंकि जो टाइम हो रहा था वो 5:30 बजे का हो रहा है, 6 बजे के करीबन सारा उजाला आ जाता है। और यहाँ पर दीदी कर रही है मिल्किंग, पशु अपना चारा वगैरह खा रहे हैं और सारे घर में यहाँ पर टाइल्स पर पानी ही पानी इसलिए है क्योंकि अभी पानी वगैरह भरा है और यहाँ पर ही कपड़े वगैरह जो निचोड़ने होते हैं यहीं पर निचोड़ लेते हैं। तो बस अब फटाफट से मैं मशीन से कपड़े निकाल लेती हूँ, तब तक मेरी चाय में उबाल आ जाएगा।
तो गाइज यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चावल को छोक, और यहाँ पर चावल के अंदर मैं डालूँगी टमाटर प्याज और राई का तड़का लगा रही हूँ। जीरा डाला है थोड़ा सा। तो दोनों चीज़ डालने के बाद दो हरी मिर्च कट की थी, प्याज कट कर रखे हैं तो प्याज अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद टमाटर, और टमाटर के अंदर हल्दी नमक और थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर जो मसाले थे वो मैंने टमाटर के अंदर ही ऐड कर दिए हैं और प्याज भुन चुकी है, तो अभी से के अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। फिर बाद में जो आलू थे वो अच्छे से धो लिए थे, चावल को भी मैंने धोकर रखा हुआ है। तो चावल वगैरह धोने के बाद बस सारे मसाले मैंने टमाटर के अंदर ही मिक्स कर दिए थे और अच्छे से टमाटर को मेस किया, आलू उसी के अंदर डाल दिए। और जब सीटर कुकर में बनाते हैं तो हम करीबन करीबन जितने चावल होते हैं उसी के दो गुना पानी डालकर एक सीटी आने तक पकाते हैं, तो चावल जो होते हैं वो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ, एक चक्कर धो चुका था, दूसरा चक्कर डालने के लिए आई थी और जो चक्कर था वो निकालने के लिए, सुखाने के लिए आई थी। सूखने वाले भी एक चक्कर सूख चुके थे, तो बस फिर उनको ऊपर डालकर आ जाऊंगी। और अभी एक या डेढ़ घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो बस ऐसे ही रहते हैं मेरे काम। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, फिर बेटी को रेडी करना, बेटी से थोड़ा प्यार जताना अच्छा लगता है। और सुबह सुबह फिर बाद में धूप हो जाती है, सुबह सुबह जितने काम निपट जाएँ उतना ठीक होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, एंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जो मैंने आज स्कर्ट पहन रखी है, इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं लगते इस तरह के कपड़े, बहुओं को अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं पहनती हूँ, लोग चाहे फिर कुछ भी कहे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फैशन के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं पहन लेती हूँ और मुझे इस तरह से ही कपड़े पहनना पसंद है। तो बाहर के कपड़े वगैरह निचोड़ने के बाद मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, सारी रोटियाँ एक साथ ही बनाऊँगी और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर सारी रोटियाँ बन चुकी थी, उसके बाद मैंने बच्चों के टिफ़िन पैक करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। तो आज मैंने बनाए थे नमकीन चावल और उसके बाद दही, एक एक टिफ़िन में दही डाल दूँगी और उसके बाद नमकीन चावल डाल दूँगी। रात की शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी बिल्कुल सूखी, वो दीदी के लिए डाल दूँगी क्योंकि वो दही वगैरह नहीं लेकर जाती। तो बस फटाफट से टिफ़िन पैक करते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। एक छोटी सी क्लिप मैंने मेरी बेटी की भी बनाई है, उस चीज़ का भी इंजॉय कीजिएगा। फ़िलहाल उसकी कोई ड्रेस वगैरह नहीं आई थी, 1 अप्रैल से ड्रेस आ जाएगी तो पूरी प्रॉपर ड्रेस में उसकी वीडियो बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा कि स्कूल में फर्स्ट डे कैसा रहा प्रॉपर ड्रेस में। वैसे तो उसे जाते हुए 7-8 दिन हो गए हैं। तो बस बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं और इनका लंच कुछ फ्रूट रखे हुए हैं, बनाना रखे हुए हैं और ग्रेप्स रखे हुए हैं, वो भी डाल दूँगी एक टिफ़िन में और बच्चों को दे देते हैं क्योंकि जंक फूड वगैरह बिस्किट वगैरह अलाउड नहीं है इनके स्कूल में। फ्रूट होते हैं तो दे देती हूँ क्योंकि क्या होते हैं कि शाम के समय फ्रूट लेकर आते हैं तो ये शाम के समय ही ख़त्म कर देते हैं, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, कभी कभार कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं तो मतलब स्कूल के लिए बच जाते हैं, अदरवाइज सारे रात के समय ही फिनिश कर देते हैं। रेडी हो गया बाय तो बोल दो बाबू। चप्पल कहाँ है आपकी? नहीं आज बिना चप्पल पहन के जाएगी। चप्पल कहाँ पहन, क्या पहनेगी फिर?
बनाना दे बनाना एक बनाना ले दे आ दिखा खाता अच्छे वालों अच्छा है बनाना अच्छा होता है बनाना और क्या क्या खाएगी राइस बनाए हैं आपके लिए आपके टिफिन में टिफिन में बस बस चलो बाय लव यू और मैम से जिद मत करना बिल्कुल भी आज ठीक है बेटा अगर रोएगी ना तो मैं स्कूल कभी नहीं भेजूंगी आपको मैं ला